हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक अच्छे वेंटिलेशन सिस्टम जो होता है टनल के अंदर, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। मतलब कि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड वेंटिलेशन सिस्टम इन टनल्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है एक अच्छे वेंटिलेशन सिस्टम की, उसकी सारी बातें यहाँ पर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अनअकैडमी अनलॉक 20 ऑफर फिर से लेकर आ चुका है। इस ऑफर के अंदर आपको फ्लैट 20% ऑफ देखने को मिलेगा अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर, या वो प्लस हो या फिर आइकॉनिक हो। दोस्तों ध्यान रहे, ऑफर केवल और केवल वैलिड है 14th of March से 16th of March के बीच में। दोस्तों आप अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे मोहनदांगी10, तो आपको इंस्टेंट 20% ऑफ देखने को मिलेगा किसी भी अनअकैडमी के कोर्स पर या किसी भी कैटेगरी के सब्सक्रिप्शन पर। आगे अगर बात करें दोस्तों, अभी जो गेट 23 और 24 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दोस्तों स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इस टेस्ट के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं मेरा कोड यूज़ करते हुए, जिससे कि आपको इंस्टेंट एंट्री देखने को मिलेगी। एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज़ कीजिएगा मोहनदांगी10, जिससे कि आपको इंस्टेंट एंट्री मिल जाए। दोस्तों अनअकैडमी एक और सुपर टाइप का सब्सक्रिप्शन लेकर आया है, जिसका नाम है अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर दोस्तों आपको मिक्स्ड टॉपिक के क्वेश्चंस जो कि मॉक टेस्ट के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, फिर मिक्स्ड सब्जेक्ट्स हो गए, और दोस्तों यहाँ पर डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और अपने आप को खुद को बेटर वे में आप एनालाइज कर सकते हैं। इसमें भी एनरोल कीजिएगा, और एनरोल करते वक्त मेरा कोड यूज़ कीजिएगा मोहनदांगी10, जिससे कि आपको दोस्तों इस पर्टिकुलर टाइप के सब्सक्रिप्शन के अंदर अप टू 33% ऑफ मिल सकता है बाय यूजिंग माय कोड। दोस्तों कुछ नए बैचेस स्टार्ट हुए गेट 23 और 24 के लिए, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। आप इनमें भी एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड मोहनदांगी10 फॉर इंस्टेंट 20% डिस्काउंट। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है एक अच्छे वेंटिलेशन सिस्टम की, वो क्या है? वो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, इट शुड रिड्यूस द डस्ट प्रोड्यूस्ड बाय टनल एक्टिविटीज टू ए सेफ लिमिट। दोस्तों मैंने आपको जब प्रीवियस वीडियो के अंदर टनल का प्रोसेस बताई थी कि टनल हम लोग कैसे बनाते हैं, टनल के अंदर जो भी ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशन के वक्त अगर वहाँ पर हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं या फिर मकिंग करते हैं, तो ब्लास्टिंग और मकिंग की वजह से वहाँ पर जो भी डस्ट जनरेट होता है उस डस्ट को रिड्यूस कर दे हमारा वेंटिलेशन सिस्टम। मतलब कि काफ़ी सिंपल पॉइंट आपके सामने लिखा है कि एक अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम वो होगा जो कि जो डस्ट वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, ब्लास्टिंग की वजह से या फिर मकिंग की वजह से या फिर बोले ड्रिलिंग की वजह से, उस डस्ट को रिड्यूस करने में मदद करे, तो वो हमारा एक अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम हो जाएगा। पहला पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पॉइंट, एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट शुड क्विकली क्लियर द फ्यूम्स जनरेटेड बाय ब्लास्टिंग फ्रॉम द वर्किंग फेस। मैं भी आपको फर्स्ट पॉइंट में क्लियर किया था कि एक अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम जो है वह होता है जो कि वहाँ पर जो भी फ्यूम्स वगैरह जनरेट हुआ है उस फ्यूम्स को बहुत जल्दी ही वहाँ से क्लियर कर दे और एक अच्छा वर्किंग एनवायरमेंट प्रोवाइड कराए। तो मेरे ख्याल से दो पॉइंट्स जो है एक अच्छे वेंटिलेशन सिस्टम के वो आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट इज व्हाट, ए गुड वेंटिलेशन सिस्टम शुड बी सच दैट इट कैन प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ डेंजरस फ्यूम्स अलोंग द लेंथ ऑफ टनल। मतलब कि एक अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम वह होगा जो कि जो हमारी फ्यूम्स जनरेटेड इट इज़ डेंजरस फ्यूम्स या बोले हजार्डस गैसेस, उनको क्या करे, उनका जो एक्यूमुलेशन है उसको रोक पाए, मतलब कि उन फ्यूम्स को इकट्ठा ना होने दे। तो ये भी एक अच्छा हमारा रिक्वायरमेंट है एक अच्छे वेंटिलेशन सिस्टम की। एंड दोस्तों लास्ट में एक और पॉइंट है, इट शुड गिव वर्किंग एनवायरमेंट एट द फेस ऑफ द टनल। मतलब कि एक जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो क्या करे, एक वर्किंग एनवायरमेंट प्रोवाइड कराए जो जहाँ पर लेबर्स वगैरह वर्क कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी एक अच्छे वेंटिलेशन सिस्टम की, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।